हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले अमृतांजन शेयर के बारे में। ये शेयर देखो, ये हेल्थ केयर कंपनी का शेयर है, ठीक है। तो ये कंपनी करती क्या है, इसका प्रोडक्ट देख सकते हो, यहाँ पर मैंने वेबसाइट पे आपको दिखा रहा हूँ, और इसके फंडामेंटल भी जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर देख सकते हो बैक पेन है उसके लिए भी है, और इनके 125 ईयर्स से ये इन चीज़ों में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पेन के रिलेटेड भी इनके प्रोडक्ट ज़्यादा है, जॉइंट मसल रहेंगे, बैक पेन रहेंगे। तो ये यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हेडेक रहेगा, कुछ भी हो तो इनके प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे जो इन पर सॉल्यूशन है। और इनके बेवरेज के अंदर भी है, जूस में फ्रूट्स यहाँ पर देख सकते हो, फ्रूट थिंक यहाँ पर, ये नीचे आप प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो। तो काफ़ी कुछ इनके प्रोडक्ट है, उनकी रेंज है, और अमेज़ोन पे भी ये मिल जाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पे। और इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। तो फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा है, ठीक है। तो फिलहाल इसका भाव देख लो, तो भाव इसका 494 का है, 1700 करोड़ की कंपनी है, और 553 का लो रह चुका है, 775 का हाई है। तो हाई से अभी डाउन पे मिल रहा है, डाउन के आसपास ये स्टॉक है। 46 का पी है 19% और 14% का ROC और ROE है। बुक वैल्यू कम है इसका, डिविडेंड देती है कंपनी, और एक का इसका फेस वैल्यू है, ठीक है। 1983 से ये कंपनी ये बाम बनाती है, पहले तो बाम इसके यूज़ भी बहुत लोगों ने किए रहेंगे अमृतांजन का। और एक साल से देखो काफ़ी अप डाउन हुआ है, तो इस पर्पस से मुझे ट्रेडिंग के हिसाब से सही लगा। और अगर हम देखेंगे तो 3 साल में भी काफ़ी ये बढ़ गया था, फिर उसके बाद ये डाउन पे मिल रहा है, ठीक है। और फिर अगर हम देखेंगे 5 साल से, तो 5 साल से भी ये स्टॉक देखो 200-250 से ये स्टॉक काफ़ी बढ़ गया था, रिटर्न्स अच्छे दिए इसने इन्वेस्टर को। 10 साल से देखेंगे तो देखो 66 रुपीज़ से यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिए थे इसने 10 साल से भी, तो थोड़ा करेक्शन अभी मोड में आया है। मैक्स की बात करेंगे तो देखो ये स्टॉक 10 रुपये का मिला करता था, 10 रुपये से काफ़ी अच्छी ग्रोथ ये स्टॉक ने दी है इन्वेस्टर को, अभी थोड़ा सा करेक्शन के मोड में आपको नज़र आएगा। तो बढ़िया रिटर्न दिया है इसने लॉन्ग टर्म में। पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे तो देखो कंपनी रिड्यूस डेट कर रही है, या कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है, डिविडेंड पे आउट भी है कंपनी का अच्छा, और पुअर सेल्स ग्रोथ भी है कंपनी का, 5 साल से ये नेगेटिव चीज़ है। और नेगेटिव में इसका अदर इनकम इंक्लूड है, और नेगेटिव इसका वर्किंग कैपिटल भी नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज़ हो रहा है इस वजह से ये नेगेटिव में है। और अगर हम देखेंगे ये फार्मास्यूटिकल के अंदर इसके कंपटीटर कौन कौन है, टोरेंट फार्मा है, ग्लैंड फार्मा है, अजंता फार्मा है, लॉरस लैब है, इरिस है, और कैपलिन पॉइंट है, मार्क्सन फार्मा है, फिर नीचे अमृतांजन है। सबसे नीचे जिसका मार्केट कैपिटल है वो सबसे नीचे है। और क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो देखो ये 2020 से ये कंपनी 92 करोड़ का सेल कर रही थी, अभी देखो 99 करोड़, तो ज़्यादा कोई ग्रोथ क्वार्टरली बेस पे देखने नहीं मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 23 करोड़ से यहाँ पर 6 करोड़ तक यहाँ पर आपको नज़र आएगा, यानी नेट प्रॉफिट गिरावट देखने मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी कोई अच्छी बात नहीं है इसमें। तो फिलहाल नेट प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो देखो 2012 से 128 करोड़ से कंपनी का सेल यहाँ पर 380 करोड़ तक गया है, तो सेल्स में भी ग्रोथ देखने मिला है। 13 करोड़ से यहाँ पर 40 करोड़ तक का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने मिल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा हो भी गया था 2021-22 में, उसके बाद थोड़ी गिरावट प्रॉफिट में भी देखने मिल रहा है। लेकिन फिर भी स्टॉक ने अच्छे इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिया है, देख सकते हो 10 साल से जो भी इन्वेस्टेड था ये कंपनी के अंदर 26% सालाना रिटर्न दिया है, 5 साल से जो भी इन्वेस्टेड है उसको 19% सालाना रिटर्न है, 3 साल से जो भी है उसको 6% सालाना रिटर्न है, जस्ट 1 साल में 15% गिरा है। तो 1 साल के गिरावट की वजह से मैंने ये स्टॉक को ट्रेडिंग पर्पज़ से भी लिया है, ठीक है। और बैलेंस शीट देखेंगे तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा इसका रिजर्व 259 करोड़ का है, और लोन 1 करोड़ का है, तो लोन काफ़ी कम है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री या डेट फ्री भी बोल सकते हैं कंपनी पर, कर्ज मुक्त है, थोड़ा 1 करोड़ का ही जस्ट लोन है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो देखो 50% से ज़्यादा प्रमोटर के पास होल्डिंग है, और फॉरेन के इन्वेस्टर ने लगभग 0.25% तक यानी 0.75% आपको फॉरेन के इन्वेस्टर का पैसा लगा है इसमें, और यहाँ पर इंडिया के बड़े इन्वेस्टर का भी ज़्यादा पैसा है, यहाँ पर 7% तक उन्होंने इन्वेस्ट किया है। पब्लिक का भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, 41% के ऊपर है, और अदर भी इन्वेस्टेड लोग हैं, तो सभी का इसमें इन्वेस्टमेंट है, सभी का इन्वॉल्वमेंट है ये स्टॉक के अंदर। तो फिलहाल स्टॉक अच्छा लग रहा है और फंडामेंटली भी बिजनेस वाइज भी, इसलिए ये स्टॉक को मैंने ट्रेडिंग पर्पज़ से लिया है। जब भी इसमें से अच्छे रिटर्न निकल जाएंगे इसमें से, मैं सबसे पहले अपडेट टेलीग्राम पे दे दूंगा कि ये स्टॉक मैंने बेच दिया है, ठीक है। तो ट्रेडिंग पर्पज़ से लिया है, ये शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड कर सकता हूँ या इसको लॉन्ग भी हो सकता है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखेंगे, जल्दी रिटर्न मिल जाते हैं तो इसमें से मैं निकल जाऊंगा, और लॉन्ग टर्म के जितने भी शेयर्स हैं उसका भी मैंने अलग से पोर्टफोलियो बनाया है, पेनी स्टॉक का अलग से पोर्टफोलियो बनाया है, तो उसके भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर आप चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।